बच्चों, कैसे हो आप सभी? वीडियोस बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, उसमें से लर्न कर रहे हो, ये आपके फीडबैक से पता चल ही रहा। और जितना उसमें बिल्कुल डेडिकेटिवली करोगे ना बेटा, उतना ये आपको ट्रिग्नोमेट्री आगे जाके इन द इंटीग्रेशन इन द डेरिवेटिव बड़ा काम है। सो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखे थे क्वेश्चन नंबर 11th फ्रॉम आवर एक्सरसाइज 2.2। अभी आज मूव करते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 12। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 12? फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। समझो क्या ढूंढने के लिए बोल रहा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। नाउ बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस पारायणा, जस्ट देख लो, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। यू गेट इट माई पॉइंट? यस। सिर्फ हमको ढूंढना इतना है कि कौन से कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना, कार्टेशियन या फिर पोलर। तो यहाँ पे ढूंढना है हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसका मतलब एक्स एंड वाई। तो अगर एक्स एंड वाई ढूंढना है, इसका मतलब दिया हुआ क्या है, तो आर एंड थीटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द गिवन क्या है बेटा, 3 and 90 degrees। सो नो नीड टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन एंड दिस। सो फर्स्ट वन, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, सो 3 cos 90। कॉस ऑफ 90 हैज वैल्यू 0, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0। गेट इट? सेकंड, वाई कोऑर्डिनेट हैविंग द फॉर्मूला आर साइन थीटा, अगेन पुट अप द वैल्यूज, दैट इज 3 sin of 90। साइन 90 हैज वैल्यू 1, 3 into 1 3, so therefore required Cartesian coordinates are x is equal to 0, y is equal to 3. कितना सोपा था। Now बढ़ते हैं next की तरफ, 1 180, बहुत बड़ा ऐसे दिख रहा एंगल, तो कोई बात नहीं बेटा। सी इन द सेकंड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 degree। एक दो तीन चार वीडियोस पीछे अगर जाते हो तो आपके पास टेबल बना के दिया था, वो टेबल में वैल्यूज पटापट मिली जाएंगे। सो फर्स्ट वन, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ आर 1, कॉस ऑफ 180 डिग्री कितनी रे, कॉस 180 की वैल्यू दैट इज अ -1, 1 into -1 -1, इट मीन्स फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, तो -1। सेकंड कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू r sin थीटा, वैल्यू ऑफ r 1, वैल्यू ऑफ थीटा 180, sin 180 0, 1 into 0 0, therefore y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स सेकंड पॉइंट हैज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, कितने हुए बेटा, -1, 0। मूव टू द नेक्स्ट, अवर क्वेश्चन नंबर 30। सो व्हाट एग्जैक्टली गिवन हियर, नाउ सम क्वेश्चंस आर रैंडमली टेकन, सो वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, ताकि वो एक कंटिन्यूटी बनाई रहे कार्टेशियन पोलर के बीच में, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्टली उठा लिया क्वेश्चन नंबर 15। सो व्हाट इज इन द क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। किसे ढूंढना है, पोलर को ढूंढना है, इसका मतलब दिए हुए कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए, तो कार्टेशियन हो गए। चलो एक एक को निपटाओ। फर्स्ट 5, 5, एज वी ऑल नो दैट फर्स्ट इज अ एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड इज अ वाई कोऑर्डिनेट, इट मीन्स वी आर गेटिंग एक्स इज इक्वल टू 5, वी आर गेटिंग वाई इज इक्वल टू ऑल्सो 5, मिल गए दो टर्म्स। नाउ देयरफॉर बोलो फॉर्मूला, रेडियस आर इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
दैट इज रूट ऑफ 5 square plus 5 square. 5 square 25, अगेन 25, विच इज नथिंग बट द 50. एंड रूट ऑफ 50 को क्या लिखा जाता है? तो रूट ऑफ 50 को लिखा जाता है 5 root 2. हो गया बेटा, दिस इज द फर्स्ट. नाउ सेकंड, टू फाइंड द सेकंड, tan theta इज इक्वल टू फॉर्मूला y अपॉन x. सो 5 upon 5, विच इज नथिंग बट द 1. tan का कौन सा एंगल 1 वैल्यू देता है? तो tan ऑफ, बोलो tan ऑफ 45. इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? सो 45. तो फाइनलाइज कैसे करोगे आंसर? देयर फॉर रिक्वायर्ड पॉइंट हैज का पोलर कोऑर्डिनेट्स 5 root 2, 45. इतना आसान था. नाउ उसके बाद बढ़ते हैं 1, √3. सो वैल्यू x, y. x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू √3. यूज द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है आपके पास? r इज इक्वल टू √x² + y² दैट इज इक्वल टू √1² + √3² हाउ मच? 1 square 1 root 3 square 3 1 plus 3 4. देयरफॉर r इज इक्वल टू 2. नो नीड ऑफ प्लस एंड माइनस. ओके, एज इट्स अ रेडियस, नो नीड ऑफ प्लस एंड माइनस बिकॉज लेंथ नेवर बी नेगेटिव. नाउ tan theta इज इक्वल टू फॉर्मूला है क्या कोई? यस, y अपॉन x. द वैल्यू ऑफ y √3 upon 1. इट मीन्स tan theta इज इक्वल टू √3. tan का कौन सा एंगल √3 है? तो यस, मुझे तो आ गया tan 60 है √3. थीटा की वैल्यू कितनी हुई बेटा? 60 degree. रेडियन में अगर लिखना चाहो तो π/3 radian. देखो पटा हो रहा. तो दो मार्क के लिए, r के लिए r लिख लिए एक मार्क, थीटा लिख लिए एक मार्क, मिला के हो गए 2 मार्क. बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ. थोड़ा सा हमारे पास के कहानी में ट्विस्ट आ गया. दोनों के दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है, बोथ द कोऑर्डिनेट्स विद द निगेटिव साइन. ठीक है ना? देखो -1 -1, इसका मतलब फॉर द थर्ड क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू -1. सो एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, ऐसा किसके घर में होता है? तो एक्स एंड वाई negative, y negative, ऐसा सिर्फ कहाँ पे होता है? तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें करना होगा, सबसे पहले निकाल लेते हैं r, which is x² + y² अगेन अंडर रूट ऑफ -1² + -1² -1² 1 + 1 विच इज इक्वल टू √2. बन गई कान. फिर बात आएगी थीटा ढूंढने की. तो हम लोग थीटा के लिए लेते हैं tan थीटा, दैट इज इक्वल टू y upon x, दैट अगेन इज इक्वल टू -1 upon -1, विच इज इक्वल टू 1. अभी सवाल ये है कि मैम इसके पहले के क्वेश्चन में भी तो 1 आया था, तो आपने 45 ले लिया, फिर ये क्वेश्चन में 45 क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज डियर, यहाँ पे हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में सर्वाइव कर रहे? थर्ड क्वाड्रेंट में. और थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक? तो 180 से लेके तो 270 तक. यानी tan थीटा इज इक्वल टू, ये होने को होना था tan 45. रीजन फिर से रिवाइज करा रही हूं आपको. 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के. हम लोग जाके बैठे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी या तो 180 से ज्यादा या फिर 270 से कम. तो जो कन्वीनियंट लगे वो डाल दो. यानी tan ऑफ 180 + 45.
और 180 प्लस 45 का मतलब कितना हुआ बेटा 225. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 225 डिग्री. समझे? यही समझना है कि कोऑर्डिनेट जैसे होंगे अकॉर्डिंगली एंगल जाएगा. ठीक है, बढ़ते हैं फोर्थ के तरफ. क्या दो पॉइंट्स देखे हैं? -√3, 1. इसका मतलब x की वैल्यू हुई -√3, y की वैल्यू हुई 1. बोलो बेटा आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? x नेगेटिव, y पॉजिटिव. इट मींस वी आर इन द हम कहां पे है? तो वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट. और सेकंड क्वाड्रेंट की जब बात आएगी तो हम लोग 90 प्लस के साथ बात करेंगे. ठीक है ना, 90 प्लस के साथ. नाउ देखिए, सबसे पहले निकाल लेंगे आर, विच इज इक्वल टू √x² + y² दैट इज इक्वल टू √x - √3² वैल्यू ऑफ y 1² √3² नथिंग बट द 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √4. सो r इज इक्वल टू हाउ मच? r इज इक्वल टू 2. तो r इज इक्वल टू 2, ये पहली वैल्यू. फिर सेकंड मूव होते हैं बेटा tan थीटा के लिए, एंड tan थीटा इज इक्वल टू कितना? तो y अपॉन x. अभी y देखिएगा कितना है, 1, और ये बना -√3. तो करना क्या, ये tan थीटा इज इक्वल टू, हमें तो पता है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 होती है. हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में है पहले ही क्लियर है. हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां पे हमें एंगल कैसे कन्वर्ट करना था, 90 प्लस जितना है उतना, वो मिला के कितना हो जाएगा बेटा, tan ऑफ 120 डिग्री. इट मींस अवर रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आर इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. मोर टू द नेक्स्ट वन, वैल्यू निकालो. बोल रहा किसकी वैल्यू ढूंढने के लिए बोल रहा है ये बंदा हमें? तो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा साइन ऑफ 11π/3. देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और ना ही यहाँ पे पैनिक हो जाना कि ये कैसे 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 अभी क्या करूं कभी क्या करूं नहीं. ठीक है ना, अ स्मॉल मिस्टेक फ्रॉम मी, 19π/3. तो धीरे धीरे चलो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हमको कौन सी जल्दी, आज ही थोड़ी ना एनडीए क्रैक कराना. 19π/3 किसमें है? रेडियन में. किसमें कन्वर्ट करेंगे? तो डिग्री में करेंगे, यानी ये हो गया 19π/3 मल्टीप्लाइड बाय 180π. और ये जो है ये किसका मेजरमेंट है? तो डिग्री का है. नाउ पाई पाई गेट कैंसल, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, और वो हुआ यानी आपके पास यहाँ पे बचे कितने बेटा, 19 × 60, इट्स अ डिग्री. सो देयरफॉर 19 × 60 डिग्री. Our angle become 1140. क्या ये साइन ऑफ 1140? देखो एक एक चीजों को समझो. साइन ऑफ 1140, गोल गोल रानी घूमते हम लोग. चलो ज्यादा जोर से नहीं घूमेंगे पर घूमेंगे. पहली गोल गोल रानी कितने की? 360 की. इट्स अ 360 डिग्री. फिर सेकंड गोल गोल रानी कंटिन्यू है यानी 720. फिर थर्ड गोल गोल रन, थर्ड वाली कितने की? तो 1080 की. क्लियर है 1080 से ज्यादा है, यानी इसे क्या लिख सकते, साइन ऑफ 1080 इसमें प्लस करना होगा. ठीक है ना, हमें कितना होना है 1140, और हमारे पास अभी कितना है 1080, इसमें मिला दे 60,
जिनको डाउट होगा वो ले लो 1060, फिर यहाँ पे देखो 086411 हो गया। पर जब तीन रोटेशन घूम के आए तो तीनों रोटेशन करने के बाद 1 2 3 वही पोजीशन पे वापस आ गए, तो जितने रोटेशन करा के पोजीशन पे वापस आए इनको छोड़ देना, बचा कितना sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी तो √3/2, इट मीन्स sin 19π/3 की वैल्यू भी कितनी तो √3/2। उतने ही आसान तरीके से नेक्स्ट को देख लो, cos 1140 है बेटा, सो cos 1140 ये डिग्री अब भी निपटा लेते हैं, सो ये बन गया 1080 में प्लस कितना करना होगा तो 60 करना होगा, और 1080 यानी कितने रोटेशन लिख लो, कितने रोटेशन कंप्लीट करवा सकते हैं, तीन रोटेशन के बाद जितना बचा उतना अपना, तो बचा है सिर्फ 60 डिग्री, और cos ऑफ 60 की वैल्यू कितनी तो 1/2, इसी का मतलब cos 1140 की वैल्यू कितनी तो 1/2। बढ़ते हैं थर्ड के तरफ, cot ऑफ कितना है बेटा, cot ऑफ 25π/3 रेडियन, 25 अभी देखो cot ऑफ, मैंने बाहर निकालने के बजाय वहीं पे निपटा लिया, 25π/3 मल्टीप्लाइंग बाय 180π एंड नाउ इट्स बिकम अ डिग्री, क्या क्या कट छट हो रही, π 3 1 3 3 6, सो दिस इज cot ऑफ 25 मल्टीप्लाइंग बाय 60, नाउ इट्स अ डिग्री हो गई। अभी फिर से वही, ये बन रहा cot ऑफ 1500 डिग्री, चलो गोल गोल रानी घूमते फिर से, 1360 270 1030 10, चेक करो, फर्स्ट इज 360, इसे दिमाग में फिटी करना बेटा, सेकंड इज 720, थर्ड इज, थर्ड कहां से है रे हमारी, थर्ड इज 1080 एंड फोर्थ इज 1440, 1540 से छोटे है या बड़े तो देखो क्या हो सकता, यानी दिस इज cot ऑफ 1440 प्लस करा दो 60, 1440 का मतलब नाउ कंप्लीटिंग हाउ मेनी रोटेशन, वी आर कंप्लीटिंग अ टोटल 4 रोटेशन, 4 रोटेशन के बाद कितना बचा तो 60 बचा, cot ऑफ 60 की वैल्यू 1/√3, इट मीन्स अवर फाइनलाइज्ड आंसर इज 1/√3। ये इतना चिल्लर 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 निपटा सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ, व्हाट एग्जैक्टली गिवन, थोड़ा सा चित्र विचित्र लग रहा पर ठीक है बेटा, क्या क्या वैल्यूज दिए तुम्हें बोल रहा, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, नीचे दिए गए आइडेंटिटीज को प्रूव करो, चलो पहला 1 plus tan square it प्लस 1 plus 1/tan square it, ठीक है करेंगे, देखो ये बना 1 plus tan square it पहली टर्म, उसके बाद प्लस 1 plus tan square a मीन्स cot square a, पर 1 plus tan square a कितना तो secant square a, और 1 plus cot square a कितना तो cosec square a, आई बात समझ में, ये दो टर्म अभी दिख, ये है साइन secant square a का मतलब होता है 1/cos² a, cosec square का मतलब होता है 1/sin² a, क्रॉस करा लो
क्रॉस कराने पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना, तो अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। पर ये क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, तो वन, यानी ये बन गया बेटा वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। समझा याद, आपको डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना है, तो साइन ही होना है, यानी कॉस की जरूरत नहीं। तो अगर हमें कॉस की जरूरत ही नहीं तो हम लोग क्या लिख लेंगे, वन अपॉन ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसे लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। दिस बिकम वन अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू वन, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए साइन टू द पावर फोर ए विच इज अवर रिक्वायर्ड RHS। ये इतना आसान था, सिर्फ बेसिक आइडेंटिटीज और फंडामेंटल आइडेंटिटीज को यहाँ पे यूज कराना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। बोल रहा कि cos square a minus 1 इन अनदर ब्रैकेट cot square a plus 1 और ये दो मल्टीप्लीकेशन शो करो इज इक्वल टू माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, पहला ब्रैकेट दैट इज LHS, हैबिचुएट हो जाओ बेटा ये लिखने के साथ। सो cos square a minus 1 यहाँ पे cot square a plus 1, थोड़ा सा इधर उधर घुमा लेते हैं हम लोग। ये जो पहला है ना cos square a minus 1, इसमें से माइनस को बाहर बुलाते इन अ ब्रैकेट 1 माइनस cos square a, यहाँ पे 1 प्लस cot square a हो गए टर्म। पर 1 माइनस cos square a कितना, तो बनता है sin square a, और 1 प्लस cot square a कितना, तो cosec square a। जो लोग 8 दिन में आइडेंटिटीज भूल भी गए होंगे उनके लिए 1 अपॉन cos square a यानी sin square a। नाउ sin square a गेट कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट, माइनस 1 विच इज अवर रिक्वायर्ड RHS, दैट इज आंसर फॉर अवर सेकंड प्रूफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, थोड़ा सा चित्र विचित्र है पर फिर भी देखिए क्या क्या बोल रहा है। साइन थीटा प्लस सेकेंड थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर पहली टर्म प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर एंड ऑल दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस मच। चलिए करते इसे भी। नाउ सी, LHS इज इन द फॉर्म ऑफ, हो गया, चलो स्क्वेयरिंग करो बाय यूजिंग द रिजल्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो अकॉर्डिंगली साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस कितना बेटा, प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे ब्रैकेट के लिए करो, सेकेंड ब्रैकेट के लिए हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा एंड प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। जिसे जिसे पास ले सकते हो उसे उसे पास ले लो बेटा। इट मीन्स आपको टर्म क्या मिलेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ, तो 1 हुआ, ये 1 प्लस इस, ये दोनों के पास भी देखो 2 है, 2 को बाहर निकालो, यहाँ पे बचा साइन थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस कितना, कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये सेकंड हो गया। और इसमें प्लस करने के लिए बचे ही है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गई इतनी वैल्यूज, और आगे बढ़ते बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों के पेयर्स कैसे कैसे जम रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, फिर 2 को कॉमन निकाले देन व्हाट इज लेफ्ट, सो साइन थीटा प्लस सॉरी इनटू सेकेंड थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू कोसेक थीटा।
ये सेकंड हो रहा, और उसके बाद प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इतने कम है यहाँ। चलो और आगे बढ़ते, देखिए 1 प्लस 2 इन अ ब्रैकेट साइन थीटा और सेकंड थीटा का मतलब हुआ बेटा 1 अपॉन कितना, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद प्लस कॉस थीटा और कोसेक थीटा का मतलब हुआ 1 अपॉन साइन थीटा, ये दो पार्ट हो। उसके बाद प्लस ये तो जरूरत ही है अपनी, सो सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना, तो टेन थीटा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो रहा, तो वो हो रहा कॉट थीटा। चलो देखते हैं फिर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 2, क्रॉस अगर करते हैं तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही के वही पे घूम रहे बेटा, प्लस सिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। गेट इन माय पॉइंट, नाउ सी व्हाट इज इन द नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो 1 प्लस 2 इन अ ब्रैकेट, ये बना 1 अपॉन पहली टर्म साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड प्लस के साथ जा रहे बेटा तो सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ी, 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब कितना, ये हुआ 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा यानी 2 कोसेक थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस कितना है फिर सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, पर हमें तो इंटू में होना है, तो ये देखो इसे जब हम लोग कवर कराएंगे तो क्या फॉर्मूला देगा, ये 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस 2 सेकेंड थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस इन अ ब्रैकेट सेकेंड स्क्वायर थीटा मीन्स 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बन गया बेटा, और आगे बढ़िए, यहाँ पे कोसेक है, कोसेक थीटा, सो सी व्हाट इज द लेफ्ट, अगेन 1 प्लस 2 सेकेंड थीटा इंटू कोसेक थीटा एंड प्लस क्रॉस कर लो, क्रॉस में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया ना बेटा टर्म यहाँ पे, जो हमें रिक्वायर्ड था वही फॉर्म। नाउ सी 1 प्लस 2 सेकेंड थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनेगा 1, यानी यहाँ पे बना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस 2 सेकेंड थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब हुआ हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। सो मूव ऑन, ए प्लस ट्वाइस ए बी वाले फॉर्मेट में अगर है तो यहाँ पे 1 कंसिडरेशन विच गिव्स अस द स्टैंडर्ड आंसर विच इज अवर रिक्वायर्ड आरएचएस, ये हुआ हमारा आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एग्जैक्ट वैल्यूज आर दी, और हमें इज इक्वल टू कितना देना है, तो इज इक्वल टू 2 देना है। चलो लिखता दे इसे, 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, दिस इज द फर्स्ट, इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और ये वैल्यू इज इक्वल टू कितनी लानी है, तो 2 लानी है। एक एक ब्रैकेट देखिए बेटा, 1 प्लस cot थीटा का मतलब क्या हुआ, cos थीटा अपॉन sin थीटा, माइनस कोसेक थीटा का मतलब
वन अपॉन साइन थीटा. नाउ इन अनदर ब्रैकेट वन प्लस टेन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस ये हुआ वन अपॉन कोस थीटा. बने इतने टर्म्स हमारे. फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेक अगर करते हो तो आपको मिल रहा वन प्लस सेम दिख रहा यानी कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कितना तो साइन थीटा. सेकंड ब्रैकेट की तरफ जाओ बेटा क्रॉस करा लो. देखो वन प्लस यहाँ पे कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कितना तो अपॉन कॉस थीटा. अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो व्हाट इज इन द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. वी आर गेटिंग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन अपॉन अपॉन में कितना तो अपॉन में साइन थीटा. दिस इज फॉर द फर्स्ट ब्रैकेट. इनटू सेकंड ब्रैकेट फिर से क्रॉस करा लो बेटा. सो क्रॉस में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन प्लस वन अपॉन कितना तो अपॉन कॉस थीटा. अभी देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके एक 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 ऑलमोस्ट सभी टर्म्स कैंसल हो जाएंगे. एंड आफ्टर डूइंग दिस दैट इज प्लस माइनस एंड आंसर यू आर गेटिंग योर टू. ठीक है. नाउ सी ये मैंने आधा अधूरा इसलिए छोड़ा बिकॉज हियर यू आर यूजिंग द आइडेंटिटी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. एंड वन मोर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू वन एंड फाइंड आंसर इज इक्वल टू टू. सो इट मीन्स इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि फ्रॉम दिस स्लाइड क्वेश्चन नंबर फोर एंड फिफ्थ आर योर होमवर्क. रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज आर वी आर डिस्कसिंग टुमारो. इफ एनी डाउट एनी डिफिकल्टी देन आस्क मी ऑन माय नंबर.